এতিয়া আমাৰ মাজত আছে আমাৰ নেপালৰ হেৰি নমস্তে নমস্তে বলিয়ে নমস্তে ই কা জাতা এগি পুরা 2000 ইয়ার্স হগো মোর দ্যান 2000 ইয়ার্স হগো ওকে এডি সে পেরে হ্যাঁ ইয়ে পুরা কাঠমান্ডু লেক থা আপ দেখ সকতে হ্যাঁ ইয়ে পাহাড় সে গিরা হুয়া হ্যায় সব ঠিক হ্যায় জি কাঠমান্ডু এক বল কি তরহ হ্যায় ওকে লাইক আ বল ইয়াহ পে পুরা পানি থা ঠিক হ্যায় ওকে আর কা জাতা কি বিপশ্রী হ্যাঁ মঞ্জুশ্রী উনোনে চায়না সে এক দিনসম লাইট দেখি ইয়াহ পে अच्छा और वहाँ से चाइना से आके साउथ ईस्टर्न साइड पे उधर साइड पे राइट साइड पे ईस्टर्न ईस्ट ये साउथ ईस्टर्न साइड पे एक पहाड़ को अपने तिलस्मी तलवार से काट दिया ओके और वो पानी चला गया उसका हम चोबार बोलते हैं चोबार। अगर वहाँ पे जाएंगे तो आप वो पहाड़ कटा हुआ देखेंगे ओके ठीक है वो जगह वहीं पे है और वो पानी चला गया उसके बाद उन्होंने यहाँ आके तप की यहाँ पे हिल के ऊपर तप की तप करते करते वो सालों साल तब की और उनका जाने का टाइम आ गया जब पीछे गए तो उन्होंने हाँ। अपने बाल काट दिया है इट्स अ मिथ इट्स ऑलवेज अ मिथ इट्स अ मिथ इट्स अ मिथ और कहा जाता है कि वो बाल पे जुए पड़ गए और बाल काटने के बाद ये बाल ये पेड़ हो गए हाँ। और जुए बंदर हो गए ओके इसलिए इतना बंदर है इसलिए मंकी टेम्पल से नाम से जाना जाता है लेकिन ये मंकी टेम्पल नहीं है ये स्वयं भू है स्वयं मीन्स इटसेल्फ संस्कृत वर्ड Swayam means itself and Bhu means originated. Okay. Self originated monument. Buddhist shrine, Mahachaitya. ये नाथ नहीं है पशुपति नाथ है क्योंकि ये पशुपति पे शिव का मंदिर है शिव का मंदिर लेकिन ये स्वयं मंदिर नहीं है बुद्धिस्ट श्राइन हमेशा स्तूपा की तरह होता है और ये कहा जाता है कि बाद में उन्होंने कुछ जाते वक्त कुछ कमल के बीच फेंक के गए okay. बाद में वो कमल बड़ा हो गया और वो तिलस्मी लाइट की वही कमल के फूल को ढकने के लिए एक कचौरे से ढक दिया okay. ये डोम ओके okay, ये डोम है हाँ डोम ठीक है ये डोम ढक दिया इसीलिए इसको स्वयं वो आपसे आप उत्पत्ति हुई बाद में इसको बुद्धिस्ट श्राइन के हिसाब से लिया गया ठीक है okay. और यहाँ पे दो बुद्ध के आँख है प्रिवेंटिंग अच्छा और बुरा ये एक नाक की तरह एक है सिंबल वन के हिसाब से क्योंकि नेपाल एक ही एक सा देश है जो हिंदू कंट्री जी विश्व पे एक ही हिंदू कंट्री अभी भी है अभी भी है डेमोक्रेटिक नहीं हुआ अभी भी हिंदू डेमोक्रेटिक नहीं है सर ये क्योंकि नेपाल और इंडिया हाँ. बोथ लैंग्वेज नेपाली एंड हिंदू दे केम फ्रॉम संस्कृत यस संस्कृत से जैसे माँ बोलते हैं हम भी माँ ही बोलते हैं हाँ. क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है ठीक है जी नेपाल भी वहीं से आया बोलते हैं लेकिन हिस्ट्री समेत ठीक है यहाँ से आते हैं इसलिए एक के हिसाब से सिंबल ऑफ यूनिटी ठीक है ये डोम पास यूनिवर्स यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये 13 स्टेप्स टू एनलाइटमेंट निर्वाणा के लिए ठीक है क्योंकि 13 स्टेप्स है ये स्तूपा पे हमेशा 13 रिंग्स होते हैं ओके और बुद्ध लॉर्ड बुद्ध आप बुद्ध बोलते हैं लेकिन बुद्ध है युवा सा प्रिंस लुम्बिनी के प्रिंस थे सिद्धार्थ गौतम जी ठीक है बाद में उन्होंने दुख देख के क्यों ऐसा होगा वही इनलाइटमेंट पाने के लिए वो जगह जगह से आ रहे और इंडिया के कुशीनगर में जाके वो इनलाइटमेंट वो पा गए वो बुद्ध गया थे उन्होंने पा गए उसके बाद सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध का उपाधि दिया गया और यहाँ पे जो ये आपने दिखाया था साइट मैप जो है ये साइट मैप अब यहाँ पे है ठीक है ये भूकंप का पहले ठीक एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे है अच्छा आप यहाँ पे ईस्टर्न सीढ़ी से आए हाँ। क्योंकि ये आप पहाड़ के ऊपर है जी काठमांडू 1400 मीटर ऊपर है और ये स्वयंभू स्तूपा 1477 मीटर अबव सी लेवल और ये दो मंदिर है ये बौद्ध स्तूपा बुद्धिस्ट श्राइन और पीछे सरस्वती का मंदिर है और 90% इंडियन यहाँ से आप पहाड़ पे हैं ऐसे घूम के भी जा सकते हैं हाँ आप सिटी से पहले 365 थे ठीक है अब बढ़ा के 424 कर दिया तो मैं अभी 424 मैंने गिना नहीं लेकिन 400 प्लस है 420 और यहाँ पे ये लाल घर है ना नीचे वहाँ पे मोहन लाल पे मोहन लाल ने एक फिल्म शूटिंग की नीचे ओके मोहन लाल ने एक शूटिंग की यहाँ पे और ये जगह हरे राम हरे कृष्ण पे भी शूटिंग हुआ देख सकते हैं 1960 पे जब जीना तमान उनकी बहन को हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण वहाँ पे बैरन पैरी फील्ड दिख सकते हैं आप कंक्रीट जंगल हो चुका है ठीक है और आप प्लेन से आए जी फ्लाइट से आए फ्लाइट से आए तो सबसे पीछे देखिए एयरपोर्ट प्लेन 9 एयरपोर्ट वो काला जंगल बीच पे है ना उसका पैरेलल वो
पशुपतिनाथ जंगल ओके ठीक है, उसके थोड़े लेफ्ट पे जाइए वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लेफ्ट डायगोनल लाल लाल घर है चार घर हाँ यहाँ पे जी सबसे पीछे पीछे इधर इधर नहीं नहीं इधर इधर रुके नहीं नहीं ऐसे पकड़िए हाँ ये सफेद घर दिख रहे ना हाँ उसके थोड़े पीछे देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये सफेद घर के पीछे बौद्ध स्तूप है सेम लाइक दिस स्तूप बट बिगर इन द साइज ये भी बुद्धिस्ट श्राइन ठीक है बौद्ध स्तूप ये बौद्ध स्तूप पशुपतिनाथ और एयरपोर्ट पैरेलल है ठीक है और वो बाएं पे इंडियन एम्बेसी इंडियन एम्बेसी हाँ बाएं पे इंडियन एम्बेसी वो अमेरिकन एम्बेसी था ये वाला थोड़ा दिखाई ये वाला इंडियन एम्बेसी है ठीक है ये इंडियन एम्बेसी है पहले यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी था नमस्ते सर ठीक है वो इंडियन एम्बेसी थोड़ा राइट पे जाइए ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग शेराटन है ये रेड वाला रूफ आपका छाया सेंटर है और ये पिंक ट्रायंगुलर पैलेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के राइट पे वो रॉयल पैलेस म्यूजियम है और 2001 आई गेस हमारा किंग का मैसेकर यहीं पे हुआ था और ये वाला ये जगह आपके थामेल के आगे ये थामेल है जी मैं अभी थामेल पे हाँ थामेल पे नहीं नहीं ज़्यादातर टूरिस्ट वहीं पे रहते हैं ठीक है और ऐसे जाएंगे तो थोड़ा राइट जाएंगे तो थोड़ा राइट रुकिए ये सफ़ेद टावर है ना हाँ वाइट टावर वाइट टावर ये वाइट टावर भीमसेन थापा ने अपने नाम पे भीमसेन टावर बनाया है लेकिन अभी मार्क्स की तरह है 1990 अकॉर्डिंग टू नेपाली बीएस अब 2079 है दो दिन पहले हुआ था 1990 पे 11 स्टोरी था उसके बाद 1990 पे भूकंप के आते बाद वो गिर गया ओके उसके बाद यहाँ पे जाइए यहाँ पे मंदिर दिखेंगे ये तीन तले के मंदिर दस काठमांडू दरबार स्क्वायर सिटी ऑफ टेम्पल्स काठमांडू दरबार स्क्वायर को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं भक्तपुर दरबार स्क्वायर एयरपोर्ट के पीछे उसको हम सिटी ऑफ डिवोटीज बोलते हैं सिटी ऑफ डिवोटीज राइट पे जाएंगे तो पाटन दरबार स्क्वायर मिल जाएगा इसको हम सिटी ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बोलते हैं जाता है कि जब अमेरिका बिल्ट नहीं हुआ था पैटर्न भी लूज हो गया था अमेरिका फाउंड नहीं हुआ था ओके 1979 डिक्लेरेशन सॉरी 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका उस वक्त हुआ था अरे आप पूरा ओनली नॉट काठमांडू बट काठमांडू भक्तपुर और ललितपुर 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 काठमांडू भक्तपुर ये बीच तक है ठीक है ओके वो लाल ब्लू कलर के घर दिख रहे ना वहाँ तक काठमांडू है ओके उसके राइट साइड पे भक्तपुर नहीं पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ललितपुर ठीक है और एयरपोर्ट के पीछे ये पहाड़ के नीचे भक्तपुर और वो जगह वो इस साइड पे है ना ये बिल्डिंग के पीछे सबसे उसको नगरपुर बोलते हैं तो अभी मैं काठमांडू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो फूलचोटी है वहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पहाड़ जो है ये पहाड़ है ना ये 2700 मीटर अबव सी लेवल ओके ठीक है सबसे ऊंचा हो ऊंचा हाइट लेकिन वहाँ पे कुछ देखने लायक है नहीं 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 है लेकिन वहाँ से आपको जैसे डस्टबिन के कूड़े की तरह दिखेगा ये सब कर कूड़ा है ना काली पॉलीथिन पर यहाँ से तो अच्छा व्यू मिला यहाँ से दिस इज द बेस्ट व्यू टू सी द काठमांडू काठमांडू देखने के भी और भी ये हिल सबसे जहीं कहीं से भी दिख सकते हैं लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से और दूर होने की वजह से ये कूड़ा जैसा दिखेगा और क्लियर नहीं क्लियर दिख रहा है यहाँ पे इसीलिए इसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे रखा गया है और ये हमने प्राइस कंसेंट रखा है बिम्स्टेक अपार्ट फ्रॉम सार्क दीज आर सेम इसमें बिम्स्टेक पाकिस्तान नहीं और बिम्स्टेक में पाकिस्तान अफगानिस्तान ये इंडिया ने बेल्ट एंड रोड के हिसाब से लॉकडाउन के बाद बिम्स्टेक में पाकिस्तान अफगानिस्तान है क्या नहीं 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 ये नो दो नहीं है लेकिन म्यांमार और थाईलैंड नहीं रखी गई है ठीक है अदर कंट्रीज में पाकिस्तान कंट्री में नहीं सार्क में ही आता है ना पाकिस्तान तो इंडिया पाकिस्तान भूटान श्रीलंका अफगानिस्तान मालदीव एंड बांग्लादेश 2010 पे अफगानिस्तान को इंक्लूड किया गया और ये 1979 पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे रखा गया है इस जगह ये कोणार्क जैसे इंडिया पे कोणार्क मंदिर है भुवनेश्वर पे वहाँ इसी की तरह क्योंकि ये सिग्निफिकेंस ये टेम्पल सॉरी ये बुद्धिस्ट महाचैत्य इसको
रखा गया, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे रखा गया। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ के पीछे मंजूश्री भी बोलते हैं, लेकिन सरस्वती का मंदिर भी है। ओके, इस ये टू ट्रायंगल आप सरस्वती के सिंबल के साथ बताएं। चलो टिकट 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 नो नो इस एंट्रेंस टिकट सर আমি চাব পাৰিছোঁ নেপালৰ এই বুদ্ধৰ যি হেৰিটো আছে, ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আপুনি বহুত ভালকে গম পালে, তেওঁ বহুত ভালকে বুজাই দিলে, আৰু গোটেই নেপাল কাঠমাণ্ডু এটা বঢ়িয়া ভিউ ইয়াৰ পৰা দেখাব পৰা গৈছে। ইউনেস্কো হেৰিটেজ চাইটত ফটো হৈ আছোঁ নেপাল। আপোনালোকে এবাৰ হলে জীৱনত ইয়াত আহিব।